तो दोस्तों आज की वीडियो में हम देखेंगे स्लोप स्टेबिलिटी ओवरबर्डन इन माइनिंग। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि ओवरबर्डन या स्पॉइल डैम की स्टेबिलिटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं और इन्हें स्टेबलाइज करने की कौन कौन सी मेथड्स है और ओपन कास्ट में स्लोप स्टेबिलिटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इस बारे में हम चर्चा करेंगे। और लास्ट में हम देखेंगे इससे संबंधित मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और माइनिंग के एग्जाम में आपको इससे हेल्प मिल सके। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स वीडियो स्टार्ट। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्पॉइल डंप या ओवरबर्डन होता क्या है। तो ऐसा स्थान जहां खदान का खोद कर निकाला गया वेस्ट मटेरियल को रखा जाता है, उसे हम स्पॉइल डंप या ओवरबर्डन कहते हैं। अब स्पॉइल डंप या ओवरबर्डन को जहां एकत्रित किया जाता है, उस स्थान की स्टेबिलिटी को बनाए रखना बहुत आवश्यक है ताकि कार्य आसानी से चल सके। अब इस स्लोप स्टेबिलिटी को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं वो देख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हाइट ऑफ स्पॉइल डंप। सामान्यतः स्पॉइल डंप की हाइट जैसे जैसे बढ़ती जाती है, स्लोप स्टेबिलिटी वैसे वैसे घटती जाती है। स्पॉइल डंप पर बढ़ते वजन के कारण शेयर स्ट्रेस बढ़ता है, जिससे स्लोप स्टेबिलिटी प्रभावित होती है। अब शेयर स्ट्रेस क्या होता है? तो यह वह प्रतिबल है जो डंप के पैरेलल या समानांतर लगता है। आप एक डंप या चौकोर डब्बे की कल्पना कीजिए, उसकी ऊपरी सतह पर पैरेलल बल लगाइए, जैसे कि आप चित्र में देख सकते हैं। उसका निचली सतह जमीन पर लगी हुई रहती है, जिसके कारण वो स्टेबल होता है, लेकिन ऊपरी सतह पर लगने वाले बल के कारण शेयर स्ट्रेंथ घटती जाती है और स्टेबिलिटी कम होती जाती है, आखिर में स्लोप फेलियर हो जाता है। सेकंड पॉइंट है स्लोप ऑफ स्पॉइल्ड डंप। स्पॉइल डंप का एंगल कम रखने पर हाइट अधिक होने का प्रभाव कम हो जाता है, यानी कि स्पॉइल डंप का यदि अपन कम से कम एंगल रखेंगे तो हाइट कितनी भी रख लें उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर थ्री, जोनेशन इन स्पॉइल डंप। स्पॉइल डंप का जोनेशन करने से, यानी उन्हें छोटे छोटे स्पॉइल डंप बनाकर रखने से ताकत और घनत्व बढ़ता है, जिससे सरफेस फेलियर और वातावरण के प्रभाव को कंट्रोल करके स्पॉइल स्टेबिलिटी बनाए रखी जाती है। नंबर फोर, वाटर। ये डंप स्टेबिलिटी पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके कारण मटेरियल स्ट्रेंथ बदलता है, जैसे गंदा पानी होना, सीपेज होना काफी बढ़ जाता है। नंबर फाइव, क्लाइमेट। बरसात स्लोप स्टेबिलिटी को काफी प्रभावित करती है। इसके कारण सतह में जल भराव की स्थिति निर्मित हो जाती है और ड्रेनेज सिस्टम भी प्रभावित होता है। नंबर सिक्स, फाउंडेशन ऑफ डंप। डंप की नींव, इसकी प्रकृति और इसका स्लोप एंगल काफी सावधानी से डिसाइड करना चाहिए। नंबर सेवन, जियोटेक्निकल पैरामीटर। फाउंडेशन मटेरियल की शेयर स्ट्रेंथ स्पॉइल डंप की शेयर स्ट्रेंथ से अधिक होनी चाहिए, यानी कि जिस सतह पर स्पॉइल डंप करने वाले हैं उसकी शेयर स्ट्रेंथ स्पॉइल डंप की शेयर स्ट्रेंथ से अधिक होनी चाहिए। नंबर एट, ड्रेनेज। एक ग्राउंड वाटर की स्थिति मिट्टी के पानी द्वारा उत्पन्न दबाव से डंप की स्टेबिलिटी को प्रभावित करता है, इसलिए इस तरह से निर्माण करना चाहिए ताकि सरफेस वाटर इसमें प्रवेश ना कर सके। एक अच्छा ड्रेनेज सिस्टम निर्मित करना चाहिए, जिससे डंप का फाउंडेशन मजबूत रहे। नंबर नाइन, ब्लास्टिंग। ब्लास्टिंग प्रक्रिया में रॉक्स के विखंडन से निर्मित टुकड़े स्पॉइल मटेरियल को काफी इफेक्ट करते हैं, इसलिए कोशिश यह होना चाहिए कि ऐसे रॉक्स को ऐसे साइज में तोड़ना चाहिए जिससे वे एक दूसरे में अच्छी तरह से सेट हो जाएं और स्पॉइल मटेरियल की क्षमता और घनत्व बढ़ा सकें। अब देख लेते हैं स्लोप स्टेबिलिटी की मेथड्स कौन कौन सी है। जब स्लोप के सेफ्टी फैक्टर अनुपयुक्त हो तब उन्हें स्टेबलाइज करने की आवश्यकता होती है। स्लोप को स्टेबलाइज करने की मेथड है एक्सटर्नल सपोर्ट, रूफ बोर्ड, रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम स्लोप। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एक्सटर्नल सपोर्ट की। स्पॉइल डंप को कंट्रोल करने के लिए एक्सटर्नल सपोर्ट लगाए जाते हैं, जिससे डंप के स्लोप्स को आधार मिलता है। इसमें दीवारों का निर्माण किया जाता है ताकि डंप स्लोप्स को सपोर्ट मिल जाए, लेकिन ये सिर्फ छोटे स्लोप्स के लिए लाभकारी होता है, बड़े डंप स्लोप्स में इनका उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर टू, रूफ बोल्ट। रूफ बोल्टिंग की सहायता से रॉक स्लोप्स को स्टेबल करना एक अच्छा उपाय है, लेकिन बोल्ट की क्षमता स्लोप फेलियर से अधिक होना चाहिए। नंबर थ्री, रिमूवल ऑफ वाटर। डिवॉटरिंग करने से डंप में वाटर प्रेशर काफी कम हो जाता है और रॉक मास के गुणों में भी सुधार होता है।
जब ऊपर बताई गई कोई भी मेथड काम नहीं आती तो डंप मटेरियल को कम किया जाता है और छोटे छोटे डंप्स का निर्माण किया जाता है, यही आखिरी उपाय होता है। तो दोस्तों यदि वीडियो आपको पसंद आ रही होगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अब आगे देख लेते हैं कि ओपन कास्ट माइंस में स्लोप स्टेबिलिटी को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। सभी स्लोप्स का रॉक मास यूनिक होता है, इसलिए किसी भी स्लोप के निर्माण के पूर्व उस रॉक के विषय में निम्न बातें जान लेना आवश्यक है, जैसे जियोलॉजिकल डाटा, रॉक स्ट्रेंथ फॉर्मेशन, ग्राउंड वाटर डाटा एंड प्रेशर। ओपन कास्ट माइन की स्लोप स्टेबिलिटी को निम्न कारक प्रभावित करते हैं, जैसे जियोलॉजी ऑफ द प्लेस, हाइड्रोजियोलॉजी, रेनफॉल, डिसकंटिन्यूटीज इन रॉक मास एंड देयर रिलेटिव ओरिएंटेशन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ अनफेवरेबल डिसकंटिन्यूटीज, शेयर टेस्टिंग ऑफ डिसकंटिन्यूटीज, डिजाइनिंग ऑफ स्टेबिलाइजेशन मेजर टू इम्प्रूव देयर परफॉर्मिंग इंक्लूडिंग एडिशनल ड्रेनेज मेजर, रेनफोर्समेंट टेक्निक एक्सेट्रा, मेथड ऑफ ओपन पिट एक्सकेविशन। इन सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एक क्वालिफाइड और एक सक्षम रॉक मैकेनिक्स इंजीनियर द्वारा स्लोप का डिजाइन निर्माण किया जाता है। अब देख लेते हैं ओवरबर्डन स्लोप स्टेबिलिटी के एमसीक्यू। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, स्लोप स्टेबिलिटी के विषय में कौन सा तर्क सही है। ऑप्शन नंबर ए, डंप की हाइट जैसे जैसे बढ़ती है स्टेबिलिटी वैसे वैसे कम होती जाती है। ऑप्शन नंबर बी, डंप की हाइट जैसे जैसे बढ़ती है स्टेबिलिटी भी वैसे वैसे बढ़ती जाती है। ऑप्शन नंबर सी, डंप की हाइट से स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता। और ऑप्शन डी, ये सभी कथन गलत है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, डंप की हाइट जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे स्टेबिलिटी कम होती जाती है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर टू है, यदि स्पॉइल डंप का एंगल कम रखा जाए और हाइट अधिक रखी जाए तो क्या स्लोप स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो इसका ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी नहीं। उसका जवाब है ऑप्शन है हाँ। तो क्वेश्चन नंबर थ्री है, स्लोप स्टेबिलिटी मेथड नहीं है। ऑप्शन ए एक्सटर्नल सपोर्ट, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी रिमूवल ऑफ वाटर, या ऑप्शन डी आर्च सपोर्ट। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी, आर्च सपोर्ट स्लोप स्टेबिलिटी की मेथड नहीं, जैसा हम ऊपर देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर फोर, बड़े बड़े स्पॉइल डम बनाने से स्लोप स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नहीं। क्वेश्चन नंबर फाइव, क्या स्पॉइल डम के फाउंडेशन से स्लोप स्टेबिलिटी में कोई फर्क पड़ता है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हाँ, स्पॉइल डम के फाउंडेशन से स्लोप स्टेबिलिटी में फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स, वातावरण से स्लोप स्टेबिलिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कथन सत्य है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी नहीं। आंसर है ऑप्शन बी नहीं, वातावरण से यह कथन गलत है, वातावरण से स्लोप स्टेबिलिटी में फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर सेवन, ब्लास्टिंग से टूटे हुए रॉक से निर्मित स्पॉइल मटेरियल से स्लोप स्टेबिलिटी में फर्क पड़ता है, ये कथन सत्य है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हाँ, ब्लास्टिंग से जो रॉक्स टूटते हैं उससे स्पॉइल डंप जो बनता है उससे स्लोप स्टेबिलिटी में फर्क पड़ता है। नंबर एट, क्या रॉक बोल्ट से स्लोप को स्टेबल किया जा सकता है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए हाँ, रॉक बोल्ट से स्लोप को स्टेबल किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर नाइन, बोल्ट की क्षमता स्लोप फेलियर से कम होना चाहिए, ये कथन सत्य है कि नहीं। तो इसका ऑप्शन है हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी नहीं, बोल्ट की क्षमता से स्लोप फेलियर में फर्क पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10, क्या दीवार का निर्माण करके स्लोप फेलियर को रोका जा सकता है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। इसका आंसर है ऑप्शन ए हाँ, दीवार का निर्माण करके स्लोप फेलियर को रोका जा सकता है। अब क्वेश्चन नंबर 11, क्या बड़े बड़े स्लोप्स को भी दीवार बनाकर रोका जा सकता है। ऑप्शन ए हाँ, ऑप्शन बी नहीं। तो इसका जवाब है ऑप्शन बी नहीं, बड़े बड़े स्लोप्स को दीवार बनाकर रोका नहीं जा सकता। क्वेश्चन नंबर 12, शेयर स्ट्रेस से स्लोप स्टेबिलिटी में क्या फर्क पड़ता है। ऑप्शन ए, शेयर स्ट्रेस बढ़ने से स्लोप स्टेबिलिटी बढ़ती है। ऑप्शन बी, शेयर स्ट्रेस बढ़ने से स्लोप स्टेबिलिटी घटती है। ऑप्शन सी, शेयर स्ट्रेस घटने से स्लोप स्टेबिलिटी बढ़ती है। या ऑप्शन डी, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, शेयर स्ट्रेस बढ़ने से स्लोप स्टेबिलिटी बढ़ती है। दोस्तों यदि पीडीएफ डाउनलोड करना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां से जाकर आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारी अपकमिंग वीडियो है टेक्निकल नॉलेज ऑफ ब्लास्टिंग, जिसमें हम अंडरग्राउंड माइंस में किस तरह होल किए जाते हैं, किस डायरेक्शन में किए जाते हैं और किस होल में कितना बारूद डाला जाता है, किस तरह से कनेक्शन किया जाता है, उन सभी के बारे में चर्चा होगी। और अपकमिंग वीडियो है एयर ब्लास्ट के ऊपर और टाइप्स ऑफ स्लोप फेलियर के ऊपर। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।
वीडियो को लाइक करें, अपने माइनिंग के दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट कर जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।